नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? चलो भाई, जैसे कि मैं टॉपिक डाल रहा था, मैंने पहले आयरन और लोह धातु का टॉपिक डाला था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कंसेप्ट जो हमारा आज का रहेगा, वो होगा मैग्नीज। मैग्नीज से संबंधित सारी बातें पढ़ लेंगे आज हम इसमें, ठीक है? उसमें क्या हुआ, दरअसल मैंने जो वीडियो डाला था लो एस का, एक तो उसमें जल्दबाजी कारण मैप की व्यवस्था नहीं कर पाया था, मैप विदाउट मैप के था। और उसके बाद अब मैं एक आयरन ओर का एक टॉपिक और डालूंगा, ठीक है, तरीके से डालूंगा। उसमें मैपिंग होगी और उसमें जो खाने हैं, जो माइंस है आयरन की, ठीक है, वे सारे एरियाज और माइंस वे सभी, और बस कहने का मतलब एक बढ़िया सी वीडियो और डालूंगा, ठीक है। उसमें नॉलेज जो है थी कम थी नॉलेज, और इस अब जो वीडियो में डालूंगा आयरन ओर की, उसमें ज्यादातर नॉलेज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो अब का जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो मैग्नीज के ऊपर है दोस्तों, ठीक है। मैग्नीज भी ये जो होता है, ये मेटलिक में आता है, ठीक है, और फेरियस मेटलिक में आता है मैग्नीज, ठीक है, फेरियस मेटलिक में। लोह धातु, मैग्नीज को हम क्या कहते हैं, देखो जो लोहा होगा, आयरन जो हमारा होगा, आयरन का सबसे लोएस्ट क्वालिटी जो होती है, आयरन की सबसे लोएस्ट क्वालिटी जो होती है वो मैग्नीज होती है दरअसल, ठीक है। और मैग्नीज की यदि बात करें तो वो एक विशुद्ध प्रकार का लोहा होता है, ठीक है, होता लोहा ही है लेकिन उसमें लोह अंश कम होते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नीज के बारे में। यदि मैग्नीज की हम बात करें तो मैग्नीज को हम लोहो उत्पादन, ठीक है, लोहो इस्पात उद्योग, आयरन इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। और प्रोडक्शन और स्टोर के मामले में यदि मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज प्रोडक्शन, ठीक है, स्टोर के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पे दूसरा बड़ा स्थान है भारत का, और प्रोडक्शन के मामले में पांचवा बड़ा देश है भारत, ठीक है। और यदि स्टेट की बात करें तो स्टेट में सबसे ज्यादा मैग्नीज उड़ीसा राज्य के पास में है, ठीक है, उड़ीसा में स्टोर और प्रोडक्शन दोनों के दोनों उड़ीसा के पास है। स्टोर का मतलब भंडार सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, और प्रोडक्शन उत्पादन भी कौन कर रहा है, उड़ीसा ही कर रहा है। और मैग्नीज पर उड़ीसा का एक अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखना है बात। एक अधिकार का मतलब है जितना निकलेगा सारा का सारा उड़ीसा का। उसके बाद में अब हम बात करेंगे मैग्नीज के बारे में, मैंने कुछ यहाँ पे नोट लिखे हुए हैं और मैप बना के मैप में दर्शाया भी है। जो रेड कलर के मार्कर से शो किया, ये सारे मैग्नीज की खाने हैं, और जो ब्लू कलर के मार्कर से, ये सारे बॉक्साइट की खाने हैं, ठीक है। सर, बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट की मैं बात करूं तो बॉक्साइट से है ना हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं हम। अब देखते हैं मैग्नीज, मैग्नीज की यदि ऑटोमेटिक नंबर की बात करो, सॉरी एटॉमिक नंबर की यदि हम बात करें मैग्नीज की, तो एटॉमिक नंबर होगा 25, 25 एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। एटॉमिक का मतलब परमाणु, नंबर का मतलब संख्या, परमाणु संख्या कितनी है मैग्नीज की, 25, 25। और इसके जो अयस्क होते हैं, अयस्क सर, अयस्क क्या होते हैं, अयस्क वे होते हैं जिनसे हम मैग्नीज को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अयस्क कौन कौन से, साइलोमेनिन, साइलोमेलिन और बोनाइट, ठीक है, साइलोमेलिन और बोनाइट, इनसे ही हम मैग्नीज को प्राप्त करते हैं। और लोहे को कठोर करने के लिए भी मैग्नीज मिलाया जाता है, ठीक है। वैसे आयरन इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स, कुछ केमिकल्स भी, और बहुत सारे जो हमारे और कहने का मतलब नॉन मेटल्स है वे भी डाले जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आयरन इंडस्ट्री में सीसा भी मिलाया जाता है, ठीक है, उसके बाद में मैग्नीज भी मिलाया जाता है, ठीक है, और कोयला भी मिलाया जाता है, ऐसे ऐसे। तो आयरन इंडस्ट्री में अलग से डाल दूंगा, उसमें पढ़ा हुआ। अब देखना मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, एस के साइलोमेलिन और बोरनाइट, ये ध्यान रखना। भारत विश्व में, इंडिया विश्व में स्टोर के मामले में दूसरा बड़ा देश है, और प्रोडक्शन उत्पादन के मामले में पांचवा बड़ा देश है इंडिया। उसके बाद अधिकतर उपयोग लौह इस्पात स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है इसका। मैग्नीज के संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा राज्य प्रथम स्थान पर है, स्टोर में भी और प्रोडक्शन में भी, ध्यान रखना है बात, और उड़ीसा का ही एकाधिकार है। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट की यदि मैं बात करूं तो बॉक्साइट जो होता है, ये केमिकल फार्मूला से मिलकर बना होता है दोस्तों। बॉक्साइट केमिकल फार्मूला से मिलकर बना होता है, जैसे कि AlOH3 विद पॉसिबल एडिशनल Al and O2, समझ गए होगे इतनी बात। उसके बाद एल्यूमिनियम की यदि मैं बात करूं, एल्यूमिनियम की जो, देखो बॉक्साइट से क्या होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होगा, बॉक्साइट होगा। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होगा 13, 13। परमाणु संख्या कितनी है एल्यूमिनियम की, 13, 13। उसके बाद एल्यूमिनियम की प्राप्ति कहां से होगी, बॉक्साइट से होगी। एल्यूमिनियम हम कहां से प्राप्त करेंगे, बॉक्साइट से प्राप्त करेंगे। उसके बाद यदि बॉक्साइट की मैं बात करूं तो संचित भंडार, स्टोर एवं प्रोडक्शन दोनों में उड़ीसा पहले नंबर पे है, तो इसका मतलब उड़ीसा मैग्नीज और बॉक्साइट दोनों में प्रथम स्थान पाता है, ठीक है। उसके बाद यदि बॉक्साइट की मैं बात करूं, बॉक्साइट कहां पे पाया जाता है, तो बॉक्साइट लेटराइट चट्टाने जो हमारी होती है, लेटराइट सोयल जो होगी, लेटराइट सोयल से
बनी हुई चट्टाने होगी, लेटराइट रॉक्स, लेटराइट चट्टाने, और लेटराइट सोयल में चाय की खेती होती है। तो इसका मतलब ये हुआ लेटराइट जो रॉक्स होगी हमारे, लेटराइट रॉक्स में क्या मिलेगा हमें, बॉक्साइट मिलेगा, और बॉक्साइट से हम क्या प्राप्त करेंगे, एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे। और बॉक्साइट का जो होगा दोस्तों, बॉक्साइट ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होती है, और उसके बाद एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होगी वो 13 होगी, 13, ये भी ध्यान रखना। बताऊंगा बॉक्साइट से रिलेटेड सभी बातें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सोना, गोल्ड का नंबर आता है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे देखो एक बार मैंने लिखा हुआ है, जो बॉक्साइट उत्पादन एरिया है, बॉक्साइट कहाँ कहाँ से प्रोडक्शन होता है और स्टोर कहाँ कहाँ पे है। तो बॉक्साइट उड़ीसा के पास में पहले नंबर पर सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे पर महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यहाँ यहाँ से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इनमें डीपली पढ़ेंगे, एक वीडियो अलग से डालूंगा, उसमें सारी खाने और उनके एस्क निकलने वाले, ठीक है, वो अलग से डाल दूंगा। उसके बाद सोना कहाँ से प्राप्त होता है, सोना यदि बात करें तो धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है सोना, धारवाड़ जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने होगी वहां से सोना प्राप्त होगा, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम और मैग्नीज, ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में मिलता है, ठीक है। सोना जो होता है गोल्ड, ये 99% तो कर्नाटक राज्य से ही प्राप्त होगा, प्रोडक्शन भी इसका वहीं से होगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सोना, हालांकि अब जो प्रेजेंट टाइम के आंकड़े हैं उनके हिसाब से तो चाइना पहले नंबर पर आ गया गोल्ड प्रोडक्शन में, लेकिन इंडिया में यदि बात करें तो कर्नाटक पहले नंबर पे है। कर्नाटक में 99%, पूरे भारत में जितना परसेंट निकलेगा उसका 99% कहां से, कर्नाटक। और कर्नाटक की दो माइन बहुत प्रसिद्ध है, एक का नाम है कोलार, एक का नाम है कोलार और दूसरे का नाम हट्टी, कोलार और हट्टी, ठीक है, कर्नाटक की कोलार और हट्टी, ठीक है, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यूपी में भी निकलता है सोना, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गंगा और रामगंगा, गंगा और रामगंगा नदियों के बीच की जो भूमि है, उसकी जो कहने का मतलब हो, गंगा और रामगंगा नदियों के बीच की जो बालू है, जो रेत है, उसकी रेतों में मिलता है सोना। उसके बाद सोने में यदि बात की जाए तो दोस्तों सोने में आंध्र प्रदेश में भी कुछ मात्रा में सोना निकलता है, देखो 99% तो कर्नाटक में निकलेगा, कहां पे, कोलार में और हट्टी में, ये दो माइंस है सोने की। उसके बाद अलग से कहां से निकलेगा, 1% में बच गया, तो 1% में आंध्र प्रदेश में तो भी निकलता है, आंध्र प्रदेश की रामगिरी खान है, एक रामगिरी, आंध्र प्रदेश की रामगिरी खान से भी इसको निकाला जाता है। उसके बाद कर्नाटक से प्राप्त होगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश से भी प्राप्त होता है गोल्ड, तेलंगाना से भी प्राप्त होगा, तमिलनाडु से प्राप्त होगा और झारखंड से भी प्राप्त होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अब बात करते हैं हम मैग्नीज से संबंधित, संबंधित कुछ बातें लिखी हुई है, मैग्नीज उत्पादन और दृष्टि, ठीक है। मैग्नीज मैंने बताया, मैग्नीज स्टोर में इंडिया सेकंड नंबर पे है और प्रोडक्शन में 5वें नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा भारत का कितना परसेंट मैग्नीज प्रोडक्शन करता है, तो उड़ीसा इंडिया का 34, 34%, 34% मैग्नीज क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है 34% का, उसके बाद जो कि प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर यदि बात करें, 25% प्रोडक्शन कौन करता है, महाराष्ट्र, और तृतीय थर्ड प्लेस पे एमपी, मध्य प्रदेश, 21% प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ज्यादा इसमें बोरिंग तो है नहीं, लेकिन इतना है, हाँ ये सारी नॉलेज है ना अपने को याद रखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने कुछ एरिया लिखे हुए हैं जहां से हम मैग्नीज को, मैग्नीज का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उड़ीसा में स्थान है, कौन कौन से स्थान है उड़ीसा में, उड़ीसा का सुंदरगढ़, उड़ीसा का सुंदरगढ़, उड़ीसा का यह संबलपुर, उड़ीसा का बेलगिर बोलगिर, उड़ीसा का क्योंझर जिला, उड़ीसा का कालाहांडी, कालाहांडी और उड़ीसा का कोरापुट, कोरापुर नहीं कोरापुट, यहां से हम क्या मैग्नीज उत्पादन करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र कुछ एरिया है, महाराष्ट्र का नागपुर महाराष्ट्र है, जहाँ अभी हाल ही में संतरा महोत्सव मनाया गया था, नागपुर महाराष्ट्र, और भंडारा भी महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आ गए, तो मध्य प्रदेश में दो बहुत प्रसिद्ध स्थान है, फेमस प्लेस है जहां मैग्नीज प्रोडक्शन होता है, नंबर एक बालाघाट, मैंने शो भी किया है बालाघाट, और दूसरा है छिंदवाड़ा। उसके बाद कर्नाटक की बात करें, तो कर्नाटक में शिमोगा है, बेलारी, चित्रदुर्ग और बीजापुर, यहां से हम मैग्नीज प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश की यदि बात करूं, तो आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम, मैंने शो किया हुआ है आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश मैग्नीज प्रोडक्शन में बहुत फेमस है ये। अब गुजरात की बात करेंगे, गुजरात तो गुजरात का है पंचमहल, गुजरात में है पंचमहल और बड़ौदा, ठीक है, गुजरात का पंचमहल और बड़ौदा। झारखंड का सी भूमि, देखो सी भूमि डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत सारे मेटल रिसोर्सिंग में जाना जाता है, ठीक है, सी भूमि तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सी भूमि जिला कहाँ का है, झारखंड का है। उसके बाद राजस्थान का एक क्षेत्र है जहां से मैग्नीज प्रोडक्शन किया जाता है, तो राजस्थान का एरिया बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा कहीं के लिए प्रसिद्ध है, तो बांसवाड़ा मैग्नीज के लिए फेमस है, ठीक है, ध्यान रखना।
तो ये तो होगी। मैंने बताया था ब्लू कलर के मार्कर से मैंने बॉक्साइट की माइंस जो है, बॉक्साइट की खाने शो की हुई है, और रेड कलर के मार्कर से मैंने मैग्नीज की खाने शो की। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे उड़ीसा है, इतना उड़ीसा में दो एरिया बहुत फेमस है, एक का नाम है केंदुझर, ठीक है, केंदुझर और बोरनाई, केंदुझर और बोरनाई एरिया कहाँ के है, उड़ीसा के, कहीं की जाने जाके मैग्नीज की भी है। आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम, उसके बाद नीचे जो हमारी साउथ इंडिया की पहाड़ियां हैं, पालनी, जायदी और शोयरा है, ये तमिलनाडु है, कुछ % तमिलनाडु से प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश का बालाघाट है, मध्य प्रदेश का बालाघाट MP, यहां से भी हम क्या निकालेंगे, मैग्नीज निकाल लेंगे, ठीक है। भंडारा महाराष्ट्र में आएगा, उसके बाद कर्नाटक में एक सुंदूर पहाड़ी है, कर्नाटक की सुंदूर पहाड़ी में बेलारी जिला पड़ता है, कर्नाटक की सुंदूर पहाड़ी में बेलारी जिला किसके लिए फेमस है, ये भी हमारा मैग्नीज के लिए फेमस है। और जो मैंने बताया था बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए झारखंड, बॉक्साइट के लिए झारखंड, ये है दोस्तों बस्तर का पठार, ठीक है, ये प्लेट्यू एरिया है जो ट्रायंगल से शो किया है। उसके बाद थोड़ी सी बात करें तो रांची, रांची कहीं के लिए जाना जाएगा बॉक्साइट के लिए, झारखंड का एक स्थान है रांची, झारखंड की राजधानी है रांची, रांची बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, पलामू झारखंड बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, और लोहरदगा ये भी झारखंड में बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना ये तीन जो डॉट बनाए मैंने, ये तीनों डॉट किस किया जाने जाएंगे, ये बॉक्साइट के